संभल जनपद में किसानों ने कृषि बिल के विरोध में चंदोसी तहसील के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर ट्रैफिक जाम करने के बाद किसान पंचायत कर कृषि बिल का विरोध किया। इसी बीच एक एम्बुलेंस इमरजेंसी केस लेकर हाईवे से गुजर रही थी, मगर किसानों के रोड जाम की वजह से जाम में फंस गई। हाईवे पर चंदोसी सीओ और एसडीएम सहित भारी पुलिस बल तैनात था, तो पुलिस ने बड़ी मशक्कत कर एम्बुलेंस को रास्ता साफ कराया और इमरजेंसी केस ले जा रही एम्बुलेंस को रास्ता मिल पाया। हाईवे पर किसान पंचायत से पहले भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले चंदोसी कृषि मंडी में इकट्ठा हुए किसानों ने कृषि बल के विरोध में जुलूस निकाल कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया, कृषि बिल की पूरी तरह से किसान विरोधी करार दिया। हाईवे पर किसानों की पंचायत धरना प्रदर्शन से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा है। हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों की पंचायत धरना प्रदर्शन के दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स और सीओ कोतवाल मौके पर मौजूद रहे। रिपोर्ट बाय मोहित गुप्ता, समाचार इंडिया न्यूज, संभल। ये केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के विरोध में तीन अध्यादेश लागू किए गए हैं, ये संसद में इन्होंने पास भी करा लिए। इनका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय किसान यूनियन और इसके अन्य पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर इसका पूरा विरोध हो रहा है। पहला चरण इसका 21 तारीख था, उसमें हमने जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया। आज पूरे देश के अंदर ये रोड जाम का कार्यक्रम है, हर जनपद में पूरी तरह हाईवे जाम है और ये जब तक ये वापस नहीं होंगे ये आंदोलन चरणबद्ध तरीका से चलता रहेगा। इससे किसानों की कमर टूट गई है इस अध्यादेश से, इसको लेकर पूरा विरोध है किसानों में और हम लोग काफ़ी तादाद में आए हैं और आगे को जो भी हमारा राष्ट्रीय स्तर का और अगला कार्यक्रम होगा और बढ़ चढ़ के इसका विरोध किया जाएगा। इसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर भी, किसी कीमत पर इस अध्यादेश को वापस किया जाए। सरकार के अध्यादेशों को लेकर के यहाँ पर विरोध चल रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है, सरकार ने कोरोना आपदा के दौरान 5 जून में तीन कृषि अध्यादेश, किसान विरोधी अध्यादेश ले आई, अब बहुमत के बल पर जोर जबरदस्ती से राज्यसभा और लोकसभा से ही पास करा लिया। उन तीनों अध्यादेशों का मतलब है कि किसान की मौत पे इन्होंने मौत के वारंट पर साइन किए। पहली बात यह, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियम ये है कि 60% लोग अपनी ज़मीन दे देंगे कंपनियों को, तो 40% की सरकार जबरदस्ती दिलवाएगी और उन किसानों को मजबूर करेगी। और एक नियम और बना दिया कि अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमने ज़मीन दी और कोई हमारा विवाद हुआ तो हमें हाईकोर्ट जाने का अधिकार नहीं, हम डीएम एसडीएम की अनुमति से जाएंगे, तो भाई हमें डीएम साहब को हाईकोर्ट जान देंगे, वो तो ज़मीन ही दिलवा रहे हैं, तो उससे हमारी बहुत नाराजगी है। क्यों? कि हमारी खेती पर ये ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश है। एक आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन करा है इन्होंने। भाई आप बताओ, किसान केवल अपने लिए नहीं कमाता, किसान जो है देश के मजदूर, गरीब, अमीर, चींटी, हाथी, घोड़ा, घोड़ी, बकरी, पक्षी सबके लिए कमाता है। आज स्थिति ये है कि 15 रुपये किलो हमारा गेहूं बिक रहा है, 1975 रुपये MSP है, बाबा रामदेव जी का आटा 42, शक्ति भोग का आटा 38, हमारा गेहूं 15, आज गेहूं का धान का समर्थन मूल्य 1868, मंडी में 1100, मक्का 2000, मंडी में 800, बाजरा 1950, मंडी में 1000, तो ये लूट हो रही है। हम सरकार कह रहे हैं, सरकार को इतनी जल्दी थी भाई, सरकार ज़्यादा ही उतावली थी तो सरकार एक कानून और लाती साथ में, उसके साथ ये लाती सरकारी रेट से जो कम खरीद होगी उसको अपराध घोषित किया जाएगा और उस आदमी को दंडनीय किया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा। भाई आज बताओ, समर्थन रेट का मतलब क्या रह गया? आप लोग बताइए, समर्थन रेट मिल रहा है कहीं? आप बताओ। अच्छा, जो मंडी स्थित सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये छूट दे दी, कोई आदमी कहीं खरीदे, कोई आदमी कहीं बेचे, कितना ही जमाखोरी करे, अरे भाई हम मजदूरों को 15 रुपये किलो बेच रहे हैं, तुम सरकार ऐसा क्यों कर रही हो कि उन्हें 150 रुपये किलो आटा मिले? क्यों तुमने छूट दे दी आवश्यक वस्तु अधिनियम को? कभी कोई कहीं खरीदो, कितना ही भंडारण कर लो, ये सान पूछ के हमारी खेती पे कब्जा करने की, हमारे बच्चों को मजदूर बनाने की साजिश है। इसे भारतीय किसानों ने किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलेगा। पहले चरण में हमने 9 तारीख पर कलेक्ट्रेटों पर प्रदर्शन किया था और सरकार को बताया, फिर भी नहीं मानी। आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय किसान टिकट की ओर से रोड बंद हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे चंदोसी में और गुन्नौर में और सिंहपुरसानी में 3 जगह हमारे रोड बंद है। हम ये चाहते हैं कि ये सरकार उस काले कानून अध्यादेश को वापस ले, वरना परिणाम गलत होंगे। भारतीय किसान यूनियन।